आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमुरा। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आचार्य विपिन मिश्रा। आपने देखा होगा कि दुनिया में लोग कमाते हैं लेकिन धन की जो स्थिरता होते वो नहीं कर पाते हैं, साथ ही एक बड़ा प्रश्न जो है डिप्रेशन। आजकल का जो यूथ है वो डिप्रेशन में जा रहा है, जिसके लिए तमाम उपचार भी किए जा रहे हैं। और फैमिली हो या फिर ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं से भी देखा जाए तो आजकल का जो यूथ है ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर आज हम आचार्य विपिन मिश्रा से खास बातचीत करेंगे। सनातन धर्म में कैसे इन बीमारियों को दूर किया जाता है, इनको लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। जी, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आजकल का जो यूथ है वो डिप्रेशन में जा रहा है, फैमिली वालों की या फिर ऑफिस से देखें या फिर अपने कार्य को लेकर देखें, तो जो यूथ है वो किस लिए आजकल ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ मैम साहब, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा और वाकई वर्तमान में व्यक्ति विशेष अपने भौतिक सुखों के लिए सारा समय निकालता है लेकिन अपने लिए नहीं निकालता है। आप सारा दिन दौड़ते रहिए, सारा दिन भ्रमण करते रहिए लेकिन मन की शांति नहीं मिल रही है। एक कार्य को अपने मन में रख करके और उसी बात को चिंता करते करते डिप्रेशन में जाना। लोग कहते हैं आजकल डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। कई बार तो लोग बताते हैं, गुरुजी मेरा एक पुत्र 21 साल का है और डिप्रेशन की दवा खा रहा है। हम उसको कहते हैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और घर में माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे तो आपके पास नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। पहली चीज़, सबसे अच्छी बात है इससे बचने के लिए माँ की सेवा करनी चाहिए, अपनी मम्मी का दिल न दुखाएं। जो बच्चा अपनी माँ को दुखी रखता है, बात नहीं मानता है, उसके साथ में ऐसी स्थिति होती है। दूसरा नंबर, उस बच्चे को ये चाहिए, उसके सिराने एक पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी पत्र है, इसको सिराने रखें और रखने के बाद सिराने में एक गीता जी की पुस्तक भी रखें। और उस बच्चे को चाहिए कि सुबह उठकर प्राणायाम करके ओम ध्वनि का कुछ मिनट तक उसे दान करें, ओमकार का दान करें तो अच्छा रहेगा। घर में माता पिता भाइयों और बहनों से अच्छा मित्रवत व्यवहार रखे, अच्छा उनसे स्नेह प्रेम करे तो इन बीमारियों के पास नहीं जाएगा और ये बीमारियां उसे दूर दूर तक भी पकड़ नहीं सकती हैं। इसके लिए सरल उपाय एक है, अगर लाल किताब से देखते हैं तो एक तांबे के लोटे में जल रखना है, उसमें चार दाने तिल डालने हैं, चार दाने जौ डालने हैं और करीब 500 ग्राम तक जल होना चाहिए। उसको अपने सर से 7 बार उतार करके पीपल वृक्ष में चढ़ाएं तो बहुत ही जल्दी उसको डिप्रेशन से निजात प्राप्त होगा और वह जो है तमाम प्रकार की ऐसी नकारात्मक शक्तियों से शांति प्राप्त करेगा, उसके रास्ते खुलेंगे। पंडित जी, आपने पीपल के पत्ते की बात की है तो इसको लेकर मेरा एक सवाल ये है कि अधिकतर जो पीपल के वृक्ष की साधना करने के लिए कहा जाता है तो आखिर पीपल का ही वृक्ष क्यों? ये जो पीपल वृक्ष की आराधना है ना, मेरे बंधुओं सबको करना चाहिए। हमने तो कई देशों में भ्रमण करके आए और वहाँ पर तो कई जगहों पर तो ये मिलता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अस्वस्थ वृक्षोस्मि, मैं वृक्ष में पीपल हूँ, मेरी आराधना करो। और आप देखो वर्तमान में कोविड चल रहा है और कोविड में क्या कमी पाई जा रही है, ऑक्सीजन की। लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए मेरे बंधु मित्रों, आप पीपल की आराधना करने लगो। आपके पास भूमि नहीं है, धन्यवाद। आपके पास धन नहीं है, धन्यवाद। आपके पास घर नहीं, धन्यवाद। लेकिन आप ये काम करें, वर्ष पर्यंत में एक पीपल का वृक्ष कोई सार्वजनिक स्थान पे लगाएं तो आपके घर में दो चीज़ों का फायदा होगा। एक तो आपके यहाँ पितृदोष कभी नहीं आ सकती है और दूसरा आपके मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आएगा, हमेशा सकारात्मक सोच आएगा। और देखो पीपल की आराधना, हम कहते हैं जिसको संतान नहीं है ना, वो भी अगर पीपल की
आराधना सतत कर रहा है तो उसके कार्य में वृद्धि आएगी। कई लोगों का कार्य काफ़ी दिनों से नहीं चलता है और वह परेशान रहे, उनको भी पीपल की आराधना करनी चाहिए। पीपल वृक्ष जितनी आराधनाएँ आप करोगे उतनी सफलता मिलेगा। और देखो, यह पीपल का वृक्ष कोई लगाया हुआ पौधा नहीं होता, यह तो जूठा पौधा है। जब काक पक्षी पीपल के फल को खाकर कहीं विष्ठा करता है उससे ये पौधा प्राप्त होता है। आप देखो, अभी हम आते समय आपके ऑफिस में देखे पीपल का वृक्ष दीवालों में उग रहा है, तो वहाँ कोई लगाया तो नहीं था। ये प्राकृतिक वृक्ष है और यह जूठा होता है, विष्ठा के रूप में काक के पड़ता है और वह पौधा सृजित होता है। इसलिए पीपल की आराधना करें, दैवी वृक्ष है। दैवी वृक्ष की आराधना करने से आपको हमेशा सफलता मिलेगी। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ मौजूद थे आचार्य विपिन मिश्रा, जिन्होंने की कई तरह की जो परेशानियां होती है जिनका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है उनके लिए समाधान बताए हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे जो समाधान उन्होंने बताया है उनका उपयोग करें, ताकि जिन परेशानियों से आप सामना कर रहे हैं उनसे आपको निजात मिल सके। और आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह से कई परेशानियों का समाधान बताते रहेंगे।